हेलो एवरीवन आज के लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है लास्ट में एनिमेटेड वीडियो के साथ हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से सुने और मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें फर्टिलाइजेशन है क्या सो so मेल और फीमेल गैमिट कंबाइन होते हैं फ्यूज होते हैं और आगे चलकर जायगोट बनाते हैं उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं अगर हम थोड़ा डीप में डिस्कस करें तो जो फ्यूज़न होता है वो प्रो न्यूक्लियाई का होता है अब प्रो न्यूक्लिया क्या है स्पर्म और ओवम की जब स्ट्रक्चर मैंने आपको डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर गैमेटोजेनेसिस में तब मैंने बताया था कि स्पर्म और ओवम का जो न्यूक्लियस है वही प्रो न्यूक्लियाई है कहने का मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में स्पर्म व ओवम का जो प्रो न्यूक्लियाई है उसका फ्यूजन होता है मीन्स स्पर्म व ओवम के न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है और डिप्लोइड जाइगोड बनता है अब ये डिप्लोइड का क्या मतलब होता है प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि स्पर्म हैप्लोइड स्ट्रक्चर होती है और ओवम भी हैप्लोड स्ट्रक्चर होता है हैप्लोइड का मतलब सिंगल एन और जब दोनों के फ्यूजन से जायगोड बनता है तो वो डिप्लोइड हो जाता है टू एन हो जाता है एन प्लस एन इज इक्वल टू टू एन फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है अगर हम शॉर्ट में देखना चाहें तो वो है क्या मेल व फीमेल गेमिट के यूनियन को हम आ, सिंगेमी बोलते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली exactly होता क्या है कि दोनों के साइटोप्लाज्म की इंटरमिक्सिंग हो जाती है जिसमें जिसे हम प्लाज्मोगेमी बोलते हैं सेकेंड चीज़ स्पर्म व ओवम की प्रो न्यूक्लियर का फ्यूज़न होता है जिसे हमने कैरियोगेमी कहा नेक्स्ट क्रोमोजोम की मिक्सिंग होती है जिसे हमने एम्फी मिक्सिंग कहा ये डायग्राम फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है और एग्जाम में इसको लिखना भी है स्टेप बाय स्टेप तो सबसे फर्स्ट है स्पर्म मेक्स कॉन्टैक्ट विद एग सबसे पहले स्पर्म का जोना पेलोसिडा से कॉन्टैक्ट होता है और एंट्री होने की कोशिश होती है उसके बाद स्पर्म एग के साथ कॉन्टैक्ट कर लेता है सेकेंड एक््रोजोम रिएक्ट विद जोना पेलोसिडा स्पर्म का एक््रोजोम जोना पेलोसिडा के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलते हैं जो डिजॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट एक्रोजोम रिएक्ट्स विद पेरीबिटेलिन स्पेस एक्रोजोम पेरीबिटेलिन स्पेस से रिएक्ट करता है नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी स्पर्म और एग की नेक्स्ट स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स एग स्पम का न्यूक्लियस एग के अंदर एंटर हो जाता है नेक्स्ट कॉर्टिकल ग्रैन्यूल फ्यूज विद एग प्लाज्मा मेमरेन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एग प्लाज्मा मेमरेन के साथ में फ्यूज होंगे जिससे अदर स्पर्म की एंट्री नहीं होगी जोना पेलोसिडा का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये ओनली एक स्पम को अलाउ करता है सिर्फ एक ही स्पम एग को फ्यूज़ कर सकता है फर्टिलाइज कर सकता है नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन थ्योरी ये सिर्फ आपके बेसिक कंसेप्ट के लिए है डीप नॉलेज के लिए है अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि स्पम आ रहा है तो एग को पहचानेगा कैसे कि एग कहाँ है सो so, तो एक डॉक्टर थे लिली उन्होंने बताया कि फर्टिलाइजेशन स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है मीन्स एक स्पीशीज़ का जो स्पर्म है तो वो उसी स्पीशीज़ को एग को फर्टिलाइज़ करता है अगर ह्यूमन स्पर्म है तो वो ह्यूमन स्पीशीज़ को ही फर्टिलाइज़ करता है तो क्वेश्चन अराइज़ होता है कि ऐसा होता क्यों है कौन सी ऐसी मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर लिली ने फर्टिलाइजेशन एंटी फर्टिलइजन थ्योरी दी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एग या ओवम एक केमिकल सिक्रिट करता है जिसका नाम फर्टिलीजिंग है जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है और एक रिसेप्टर की तरह काम करता है वह स्पर्म के सरफेस पर प्रोटीन सब्सटेंस होता है जिसका नाम एंटी फर्टिलीजिंग होता है तो ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं जिससे इनको रिकॉग्निशन हो जाता है या पहचान हो जाती है कि ओवम कहाँ है स्पर्म कहाँ है और ज्वाइन कैसे होना है स्पेसिफिक होने का मतलब ये है कि रिसेप्टर व अटैचमेंट की जो शेप होती है वो हर स्पीशीज़ की अलग अलग होती है जिस तरह का रिसेप्टर होगा उसी में उसी तरह का अटैचमेंट लगेगा फर्टिलाइजेशन का आइडिया लिवन हॉक ने दिया साइट की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म का अराइवल इन समाइनेशन से होता है लगभग 300 मिलियन स्पर्म्स फीमेल वेजैनल ट्रैक्ट में आते हैं मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्पर्म की टेल एक्टिवेट हो जाती है उस वजह से और सीलिया की प्रेजेंस की वजह से स्पर्म मूवमेंट होते हैं इस डायग्राम में हमें डिफरेंट पार्ट्स दिख रहे हैं ये इस्मस पार्ट ये एम्पुला पार्ट ये इन्फंडिबुलम पार्ट और ये फिमरिया सो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला पार्ट है सो so, एग जो है वो ओवरी से रिलीज होगा और उसे यहाँ तक ट्रेवल करना होगा एग्जैक्टली exactly इसी जगह पर आकर फर्टिलाइजेशन होना है सो so, स्पर्म को वेजाना ट्रैक से अंदर आते हुए यूट्रस के अंदर आके यहाँ तक पहुँचना होगा तब ही जा के फर्टिलाइजेशन हो पाएगा स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें फर्स्ट है अराइवल ऑफ़ सेकेंडरी ऊसाइट ओवलेशन में हमने देखा था कि सेकेंडरी ऊसाइट ही रिलीज हुआ करती थी तो वो सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होने के 24 फोर आवर्स के भीतर भीतर फर्टिलाइज हो सकती है मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो सेकेंडरी ऊसाइड रिलीज हुई उसके 24 घंटे के अंदर अंदर स्पम अवेलेबल हुआ तो फर्टिलाइजेशन होगा वरना नहीं होगा ओनली एक स्पम ही फर्टिलाइज़ कर पाएगा बाकी के स्पम एंट्री नहीं ले पाएंगे स्पर्म के एंट्री के बाद सेकेंडरी ऊसाइड का मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाता है ये हमने गेमेटोजेनेसिस में भी डिस्कस किया था नेक्स्ट कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म मीन्स स्पर्म का एक तरह से एक्टिवेट होना ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके स्पर्म मैच्योर एपिडिडाइमिस में होती है कहाँ होती है स्पम मैच्योर एपिडिडाइमिस में मैच्योर होती है वो फर्टिलाइज करने के लायक तो बन गई है लेकिन कैपेसिटेशन या हम कहें कि उस स्पर्म का एक्टिवेशन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ही होता है तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी मैच्योरेशन जो है वो कहाँ होता है स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है प्राइमरी मैचुरेशन एपिडिडाइमिस में होता है वो फर्टिलाइज़ करने के लायक बन जाती है लेकिन सेकेंडरी मैचुरेशन या हम कहें एक्टिवेशन उस स्पर्म का फीमेल जेनाइटो ट्रैक्ट में ही होता है सो एक्जैक्टली कैपेसिटेशन में होता क्या है फीमेल जेनाइटर ट्रैक्ट के जो सिक्रेशंस होते हैं वो स्पर्म की कोटिंग को रिमूव कर देते हैं मेनली स्पर्म का जो हेड पार्ट है एक्जोम वहाँ से स्पर्म की कोटिंग को रिमूव कर दिया जाता है जो स्पर्म की कोटिंग रिमूव होने से होता क्या है कि जो एक््रोजोम की जो रिसेप्टर साइट है वो एक्सपोज हो जाती है एक्रोजोम के पास में कुछ ऐसी रिसेप्टर साइट होती है जिसकी मदद की वजह से वो ओवम से जाकर अटैच हो जाता है सो so, एक्रोजोम की जो रिसेप्टर साइट है वो एक्सपोज हो जाएगी और स्पर्म एक्टिवेट हो जाता है ओवम को पेनिट्रेट कर सकता है और इसे ही कैपेसिटेशन कहते हैं मीन्स स्पर्म का एक्टिवेट होना ही कैपेसिटेशन है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये थ्री अलग अलग कंडीशंस बताई गई हैं कैपेसिटेशन के अंदर फर्स्ट है एपिडिडाइमल यानी कि स्पर्म एपिडिडाइमिस में क्या होता है मैच्योर होता है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है जब ये समाइनल फ्लूड के अंदर आता है इजेकुलेशन होता है इसका तो ये वाली साइट सेमल फ्लूड से इंक्लूड हो जाती है देन ये इजेकुलेट होकर फीमेल जनटल ट्रैक्ट में आता है तो ये चीज़ें जो कवरिंग है वो कवरिंग हट जाती है जिसकी वजह से स्पर्म की जो एक््रोजोम पार्ट में रिसेप्टर साइट थी वो एक्सपोज हो गई हैं अब ये रेडी है पेनिट्रेट करने के लिए इस डायग्राम में आप सारे स्टेप्स को इजीली देख सकते हैं फर्स्ट है कॉन्टैक्ट सो इस, इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि स्पर्म का कॉन्टैक्ट होता है ओवम के साथ में देन सेकेंड है एकोजोमल रिएक्शन एक्रोजोम का जो पार्ट है यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से सिक्रिट होते हैं जिससे ये लेयर को डिजोल्व करना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ एक्रोजोमल प्रोसेस जो एकजोम है उसमें प्रोजेक्शन बनने लग जाता है जिसे हम फर्टिलाइजिंग uh, जोन भी बोलते हैं नेक्स्ट फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो जाता है नेक्स्ट एंट्री ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस जो स्पर्म का न्यूक्लियस है उसकी एंट्री हो जाती है ओवम के अंदर एंड लास्ट स्टेप है कॉर्टिकल रिएक्शन कॉर्टिकल रिएक्शन में एक्जैक्टली exactly होता क्या है जो सेकेंडरी ओसाइड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके जस्ट नीचे क्या होती हैं कि ग्रेन्यूल्स होती हैं जिनको हमने कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स नाम दिया तो ये ग्रैन्यूल्स रिलीज हो जाते हैं और कॉर्टिकल एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिससे होता क्या है कि जोना पेलासिडा को हार्ड कर दिया जाता है टफ हो जाती है जोना पेलासिडा ताकि दूसरे स्पर्म एंट्री ना ले सकें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं और ये धीरे 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 एंजाइम सिक्रिट हुए और ये हार्ड होती चली गई और जेनोपलेसिडा जो है वो कंप्लीटली हार्ड हो गई जिससे और जो स्पम है वो एंट्री ना ले सके सो so फर्स्ट है एक्रोजोमल रिएक्शन जब जोना पेल्युसिडा को पेनिट्रेट करके स्पर्म को अंदर जाना है तो कुछ ऐसी रिएक्शन होती है वही रिएक्शंस एक्रोजोमल रिएक्शंस कहलाती हैं हैंजोम में कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं फॉर एग्जांपल हाई एलरॉनिक डेज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करता है कि जो टू टू थ्री लेयर स्ट्रक्चर होती है ओवम के बाहर कोरोना रेडिएटा उसको पेनिट्रेट करता है नेक्स्ट जोना लाइसिन ये जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करवाता है पी इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम टेम्परेचर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक्रोजोमल रिएक्शन होती है और एक्रोजोमल रिएक्शन की वजह से स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओवम की ओवम मीन्स जो सेकेंडरी ओसाइट है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाती है और स्पर्म प्रो न्यूक्लियस रिलीज़ हो जाता है नेक्स्ट है कॉर्टिकल रिएक्शंस कॉटिकल रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि जो सेकेंडरी ऊसाइट है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होती हैं ये ग्रैन्यूल्स रिलीज़ हो जाएंगी कॉर्टिकल एंजाइम्स रिलीज़ हो जाएंगे जिससे एंजाइम्स क्या करेंगे जो ना पेल्यूसिडा को हार्ड कर देंगे टफ कर देंगे ताकि दूसरे जो स्पर्म हैं वो एंट्री ना ले सकें स्पर्म एंट्री स्पर्म एंट्री से सेकेंडरी ऊसाइट में एक प्रोजेक्शन बनता है जिसे फर्टिलाइजिंग जोन या कोन ऑफ रिसेप्शन कहते हैं कैरियोगी मेल एंड फीमेल क्रोमोजोम मिक्स होने को ही हम एम्फीमिक्सिस या कैरियो गेमी कहेंगे फर्टिलाइजिंग ओवम को हम अब जायगोट कहेंगे वीडियो एक्सप्लेनेशन सो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा इसमें वो सारे इवेंट्स अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो इम्प्लांटेशन पे होगा और वो इसी से रिलेटेड होगा इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखें During sexual intercourse, about 300 million sperms enters the vagina. Millions of sperm excreted along with vaginal fluid or die in acidic environment. Many sperms survive because of the protective element founded in fluid surrounding them. Sperm passes through cervix and cervix is an opening in uterus. Usually it remains tightly closed, but here it opens for a few days when woman ovulates. Now, sperm swim through cervical canal and cervical mucus, which is thin, watery consistency for easier passes. Inside the cervix, sperm continues to swim, or millions of sperm dies here. Inside the uterus, muscular uterine contraction assists the journey of sperm to egg the woman's immune cells or the cells of immune system destroyed million of sperm considered as foreign an agent and they kill them now sperm enters the fallopian tube inside fallopian tube there is tiny cilia that push egg towards wall of uterus and the sperm continues their journey to meet egg some sperms trapped in cilia and dies. During this part of journey, chemicals in reproductive tract cause changes in sperm head membrane. As a result of which, sperm become hyperactive and swimming harder and faster towards their destination. At last, they reach their destination for fertilization at ampullary part of fallopian tube. Ag is covered by Corona radiata layer, which is two to three layer structure. Sperm must pass this layer to reach Jona pellucida. When sperm reaches to Jona pellucida, they touch specialized sperm receptors on surface which trigger release of digestive enzymes that enable sperm to burrow in Jona pellucida. Inside Jona Pellucida there are fluid-filled space just outside egg membrane first sperm who make contact will fertilize the egg the single sperm attaches to egg cell membrane within few minutes outer membrane fuse and egg takes the sperm inside this event cause changes in egg membrane that prevent entry of other sperms egg release chemicals that push other sperms away from egg and zona pellucida starts to harden outside the egg sperms are unable to reach zona pellucida due to hardness of zona pellucida inside the egg tightly packed genetic material separates and new membrane forms around genetic material creating male pronucleus genetic material reforms into 23 chromosomes and female genetic material awakened by formation of male pronucleus so female genetic material divide and form female pronucleus which is also contain 23 chromosomes as male and female pronuclei formed spider web like thread known as microtubule pulling them together each other two pronuclei comes near each other and unite together completing the process of fertilization unique genetic code arise that determine gender hair color and other characteristics thus zygote formed the cilia of fallopian tube Gently sweeps the zygote downward towards the uterus for implantation process. Identical twins are formed from same eggs when jigot it splits into two. Each splitted portion forms complete two individuals and both are identical in characteristics. Non identical twins, which means fraternal twins, are formed from two different egg develop in mother's body and gets fertilized by two separate sperms development of fertilized eggs zygote is diploid means 2n because it contains two set of chromosomes from mother and father human beings have 46 chromosomes out of which 44 are autosomes and remaining two are sex chromosomes human male contain 44 autosomes and xy sex chromosomes 50% of gametes formed by male will have x chromosome and 50% will have y chromosomes human female contain 44 plus 2 x chromosomes so all gametes formed by female have x chromosomes sex of baby depends upon sperm that fertilize the ovum sex of baby depends on sperm that fertilize the ovum ovum contain one x chromosome and 22 autosomes if sperm that fertilize ovum carry 22 autosome and one x chromosome then zygote will have 44 autosome and two x chromosomes embryo will develop female baby but sperm that fertilize ovum have 22 autosome and one y chromosome then zygote will have 44 autosome and xy chromosome embryo will develop male offspring thank you so much next lecture implantation